अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम मज़मून उर्दू फर्स्ट बीट है बच्चों। बच्चों मैं आज आपको रिवीजन पेपर जो दिया गया था उसको मैं समझा रही हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइए। फर्स्ट बीट है बच्चों, दर्जे ज़ेल सवालात के जवाब कलमबंद करें। कलमबंद मीन्स लिखना, लिखिए। सवाल है, घनघोर घटा किसे कहते हैं? घनघोर घटा किसे कहते हैं? जवाब है, बहुत गहरे काले बादल को घनघोर घटा कहते हैं। बहुत गहरे काले बादल को घनघोर घटा कहते हैं। सवाल है, हर खतरे में क्या था? जवाब है, हर खतरे के दिल में था खतरा। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, किसकी जुरात देखकर दो चार ने पैरवी की? जवाब है, दिलावर खतरे की जुरात देखकर दो चार ने पैरवी की। सवाल है, कौम को क्या करना चाहिए? कौम को क्या करना चाहिए? जवाब है, कौम को खतरों सा इत्तेफाक कर लेना चाहिए। कौम को खतरों सा इत्तेफाक कर लेना चाहिए। ठीक है, सेकंड बीट है बच्चों, इन अल्फाज के माना लिखिए। माने यानी मीनिंग सही है। फर्स्ट पहला है मगरूर। मगरूर का मीनिंग यानी माने आता घमंडी। मगरूर के माने क्या है? घमंडी, ऐश आराम, ऐश आराम। सवाल नंबर 3rd वन है कुटिया। कुटिया झोंपड़ी, क्या है? झोंपड़ी। 4th वन है सदा। सदा, सदा में आवाज़, आवाज़। 5वां है खादिमा। खादिमा उसके मीनिंग आता है, उसका माने आता है बच्चों नौकरानी, नौकरानी। 6वां है बच्चों फ़ानी। फ़ानी, फ़ानी के माने आते हैं ख़त्म होने वाला, ख़त्म होने वाला। देखिए तीसरी बीट है, जुमले बनाइए। पहला है खूबसूरत। महल खूबसूरत है। खुशहाली, खुशहाली क्या है? हज़ार नेमत है। नियत, आमाल का दारुमदार नियत पर है। ख्वाब, ख्वाब में मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने एक ख्वाब देखा। देखिए बच्चों चौथी बीट है बच्चों, मुनासिब अल्फाज से जोड़ मिलाइए। मुनासिब अल्फाज से जोड़ मिलाइए। आपको ये वाले भी अल्फाज आ जाएंगे, ये वाले अल्फाज भी आ जाएंगे और ये वाले अल्फाज भी आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों बॉक्सेस में जो जो हरूफ हैं वो जो जो अल्फाज हैं आएंगे आपको यहाँ पे मिला के कौन सा किस तरीके से लिखना है वो लिखिए। फ़कीर, फ़कीर की कुटिया, फ़कीर की कुटिया। देखिए यहाँ पे फ़कीर की कुटिया। मलिका, मलिका, मलिका के आमाल, मलिका के आमाल। देखिए मलिका के आमाल। बादशाह, बादशाह का महल, बादशाह का महल, बादशाह का महल। जन्नत, जन्नत के मेवे, जन्नत के मेवे। नेकी, नेकी का बदला, नेकी का बदला, नेकी का बदला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4th 5th बीट की जानिब। नज़म में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके अतराफ दायरा बनाइए। बच्चों जहाँ पे हमने दायरा बनाया है वो लफ्ज़ वो अल्फाज नहीं दिख रहे हैं, तो मैं इसको रीडर में समझा रही हूँ, तो आप लोग रीडर में समझिए क्या है वो सफ़ा और वो देखिए। सफ़ा नंबर देखिए बच्चों 44। सफ़ा नंबर 44 पर आपको हाँ वाली बीट है, वही बीट आपको पेपर में है तो आप लोग देख ले सकते बच्चों। फर्स्ट है आपको फर्स्ट वन और सेकंड लास्ट वन। बूंद कतरा नज़म में इस्तेमाल हुआ इसलिए हमने उसको सर्कल किया। ठीक है,
सेकंड वन में कुछ भी नहीं है, थर्ड वन में घाटा शनावर ये दोनों नजम में इस्तेमाल हुए, फोर्थ वन में है ज़मीन चमन ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए नजम में, और फिफ्थ वन है इत्तेफाक नाम सखी कतरा ये चारों अल्फाज क्या हुए इस्तेमाल हुए जिसकी वजह से उसको हमने सर्कल किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छे से मश्क कीजिए। अल्लाह।